गोपालगंज में रिक्त हुए विधानसभा सीट पर आज महागठबंधन के तरफ से राजद के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामी इंदिरा यादव एवं ओवैसी के पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सुबह में गोपालगंज विधानसभा की सीट काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि गोपालगंज तेजस्वी यादव का गृह जिला है और यह सीट जीतने के लिए राजद अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। वहीं इस अवसर पर सुबह के कई मंत्री एवं विधायक तथा बड़ी संख्या में राजद के समर्थक भी शामिल हुए। नामांकन के बाद हुए आम सभा में प्रत्याशी मोहन प्रसाद ने कहा कि अगर जनता उन्हें जिताएगी तो जिले में काम दिखेगा, क्योंकि पिछले 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है। इस मौके पर मंत्री सुनील कुमार सहित कई मंत्री एवं विधायक शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश जी और हमारे महागठबंधन के मालिक CPI CPM हम के तमाम पार्टी महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हुआ हूँ। साथ ही मैं कांग्रेस के साथ भी मेरा समझौता है और मैं नामांकन करके अभी वापस निकला हूँ। मैं देवतुल्य जनता से आशीर्वाद चाहूँगा और मैं उनसे वादा करूँगा कि कुछ दिखेगा। आज विगत 15 साल से गोपालगंज में कुछ दिखा नहीं है और मैं वादा करता हूँ आप देवतुल्य जनता से कि मेरा भी कुछ ऐसा विजन है, मेरा प्लान है जो मैं करके दिखाऊंगा और आपके सामने दिखेगा। और जब दिखता नहीं है तो बिकता भी नहीं है, और दिखेगा तो मैं फिर आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद। एक मिनट, आपके मुद्दा क्या होगा चुनाव में मतदाताओं से वोट मांगने का? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रोजगार होगा, रोजगार जिसकी वजह से आज पूरा देश त्रस्त है और हमारी जो विरोधी पार्टी है जो हर साल 2 करोड़ का मुद्दा और साथ साथ विकास का मुद्दा, लड़ाई हमारी तो किसी से नहीं है। हमारा तो महागठबंधन इतना मजबूत है कि हम लोग एक तरह से हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। मोहन विधायक, पूर्व विधायक और इस विधानसभा समर में आए हुए जनता भाइयों, माननीय मंत्री कला संस्कृति, माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, माननीय मंत्री साहू जी, जो तैलिक साहू सभा के बिहार के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक किरण देवी जी, पूर्व विधायक स्थानीय विधायक रहे राम अवतार शाह जी, राजेंद्र राम जी और इस जिले जिंदाबाद।